बीजेपी के विरोधी दल के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आरोप लगाते हैं कि AIMIM अन्य दलों का वोट काटकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करती है। सियासी गणित ये कहता भी है कि जहां जहां भी कांग्रेस या कोई अन्य क्षेत्रीय दल मजबूत होता है, वहां पर जब असदुद्दीन ओवैसी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं तो जीत तो नहीं पाते हैं, कई जगहों पर जीत भी जाते हैं, लेकिन वो अन्य प्रत्याशी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अपनी राजनीति है, वो हैदराबाद से बाहर निकलना चाहते हैं, लिहाजा कोशिशें करते हैं और कई बार कोशिशों में कामयाब होते हैं। बिहार एक उदाहरण है। बहरहाल, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अक्सर उन पर, खास तौर पर कांग्रेस, अक्सर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती रही है, जिस पर ओवैसी भी पलटवार करते रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हाल ही में संपन्न हुए नगर पालिका के चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया। पवन खेड़ा ने AIMIM और आम आदमी पार्टी दोनों ही पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने AIMIM और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, आप देख सकते हैं कि भाजपा की बी टीमें किस तरह रणनीतिक रूप से पार्टी को जीत दिलाती हैं। पवन खेड़ा ने जो आंकड़े साझा किए उनमें कांग्रेस केवल 388 मतों से भाजपा से हार गई। ओवैसी की पार्टी को 10,322 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2,908 वोट मिले। पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा साझा किए गए आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि उनका निशाना किस तरफ था। ओवैसी ने अपने अंदाज में पवन खेड़ा और कांग्रेस को जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को वॉकर इन चीफ करार दिया। पवन खेड़ा के ट्वीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से पलटवार किया, पहले वो बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पवन खेड़ा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने 2019 में 186 लोकसभा सीटों में से केवल 15 सीटें क्यों जीती, जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से था। ओवैसी ने लिखा, भाजपा किसी और पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के वोट काट रही है। कांग्रेस को मांग करनी चाहिए कि बीजेपी चुनाव लड़ना बंद कर दे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने राहुल गांधी को भी अपने ट्वीट में घसीट लिया। राहुल गांधी और उनकी चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने राहुल गांधी को वॉकर इन चीफ कहा। ओवैसी ने पूछा, कांग्रेस अमेठी क्यों हार गई, क्या वॉकर इन चीफ इतने अक्षम है? 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से 55,120 वोटों के अंतर से हार गए थे। ये निर्वाचन क्षेत्र गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ के रूप में जाना जाता था। ओवैसी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर बेहद हमलावर रहे हैं। कांग्रेस कई मौकों पर AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार देती रही है। ओवैसी हमेशा से कहते रहे हैं AIMIM बीजेपी की बी टीम नहीं है। ओवैसी ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भाजपा की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। हम भाजपा की बी टीम नहीं है, हम पिछड़े और परेशान मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। बी टीम का खेल समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी या फिर AIMIM या अन्य क्षेत्रीय दल कई जगहों पर समीकरणों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ बीजेपी की बी टीम कहलाने के डर से कहीं चुनाव लड़ना बंद कर दें तो ये अपने पर कैसे खोलेंगे, खुद को कैसे आजमाएंगे? उदाहरण के लिए, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को पंजाब में ही निकाय चुनाव में या गुजरात में ही सूरत जैसे निकाय चुनाव में सफलताओं से अपना आकलन किया, उसके बाद में पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। शुरुआत करनी पड़ती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवैसी सिर्फ वोट काटने वाले साबित नहीं हुए हैं। बिहार और कई अन्य क्षेत्रों में उनके प्रत्याशियों की जीत ये बताती है कि कई जगहों पर उन्होंने सफलता भी हासिल की है, यानी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करें। जहां जहां भी मुस्लिम मतदाता हैं उनको वो अपने साथ पुरजोर तरीके से ले आए। एक प्रयास उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दिए। ये भी कहा जाता रहा कि यहां भी यदि मुस्लिम मतदाताओं के वोट बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी और ओवैसी में तो फिर ओवैसी एक बार फिर बीजेपी की बी टीम कहे जाते। लेकिन यहां पर यह याद रखना चाहिए कि ओवैसी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपने लिए वोटों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव उनकी तरफ हो। वो अपने वोट बैंक को इंटेक्ट करना चाहते हैं पूरे देश में, ना कि सिर्फ हैदराबाद में।
बहरहाल अजदुद्दीन ओवैसी पर ये आरोप लगते रहेंगे और राजनीतिक सियासी समीकरणों को अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये बात कई हद तक सही साबित होती है कि जहाँ जहाँ ओवैसी खड़े होते हैं वहाँ वहाँ पर ये फैक्टर कुछ मतों के अंतर से बड़ा एक अंतर पैदा कर देता है। और पवन खेड़ा को मौका मिल गया, उन्होंने बुरहानपुर के निकाय चुनाव का जिक्र किया। बुरहानपुर एक ऐसा ही क्षेत्र है यहाँ पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी डिसिसिव स्थिति में दिखाई देते हैं, निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं, और वहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और AIMIM की भूमिका दिखाई देती है वो वोट कटुआ की ज्यादा दिखाई देती है। और जहां पर भी वोट काटने की स्थिति में पार्टियां होती हैं तो वहां पर बीजेपी की बी टीम करार दे दिए जाते हैं क्योंकि नुकसान होता है कांग्रेस का, कांग्रेस का ऐसा मानना है। अजदुद्दीन ओवैसी का तर्क भी समझने जैसा है, वो कहते हैं कि फिर सबसे ज्यादा वोट तो बीजेपी आपके काट रही है, आप बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए मना कर दीजिए। ये बात सही है कि राजनीति में सब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोशिश कर रहे हैं खुद को कैसे मजबूत करें। और सियासी समीकरण कुछ ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी का नुकसान होता है और उस नुकसान से किसी ना किसी को फायदा होता है। बहरहाल फिर भी कांग्रेस AIMIM पर हमला कर रही है, आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, क्योंकि ये दो पार्टियां हैं जहां जहां पर कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होती हैं वहां वहां पर कांग्रेस का नुकसान होता है। अब वो किसी भी आगामी चुनाव को ले लीजिए, चाहे निकाय चुनाव की बात हो या फिर आने वाले राजस्थान, गुजरात, ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। और यहाँ पर यदि कांग्रेस के मुकाबले ये पार्टियाँ भी खड़ी, और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की स्थिति तो अब गुजरात में बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी की स्थिति ऐसी है कि वो इन मतदाताओं को कुछ हद तक अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जब मतदाता एकजुट हो जाता है और वो एक मन बना लेता है तो उत्तर प्रदेश जैसे परिणाम भी आते हैं जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिखाई दिए। हालांकि लोकसभा चुनाव में समीकरण बिल्कुल अलग होंगे, क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी कांग्रेस और अजदुद्दीन ओवैसी के बीच में एक जुबानी जंग एक बार फिर शुरू हो गई है, फिर से उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगे, फिर से उन्होंने इसे खारिज किया और कांग्रेस पर हमलावर हो गए। सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर नहीं हुए बल्कि भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला करने का उनको एक मौका मिल गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।